भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के चलते अभी खतरा टला नहीं है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त तक 100% कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये जानकारी आज उपमंडलाधिकारी नागरिक रामेश्वर दास ने दी। उन्होंने शहर के सभी लोगों से अपील की है कि 31 अगस्त तक पहली डोज का टीकाकरण अवश्य करवा लें। उन्होंने बताया कि चंगर क्षेत्र में प्रतिदिन कोरोना टीकाकरण हो रहा है तथा इसके अतिरिक्त 3 टीमें घर घर जाकर भी टीकाकरण कर रही हैं। उन्होंने बताया कि लोग घर पर भी अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से घबराएं नहीं, सतर्क रहें और कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। उन्होंने बताया कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें या फिर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। नमस्कार, एक सूचना। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के चलते अभी खतरा टला नहीं है। इस संदर्भ में प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त तक 100% कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसलिए शहर के सभी निवासियों से आग्रह है कि वे 31 अगस्त तक पहली डोज का टीकाकरण अवश्य करवा लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि चंगर क्षेत्र में प्रतिदिन कोरोना टीकाकरण हो ही रहा है। इसके अतिरिक्त 3 टीमें आपके घर घर आकर टीकाकरण कर रही है। आप घर पर भी टीकाकरण करवा सकते हैं। ये सब आपके और आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद। ये सूचना आपको प्रशासन की ओर से दी जा रही है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट।